हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे अपने सैमसंग गैलेक्सी M20S मोबाइल में अपने टीवी एंड्रॉयड टीवी कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो पहले दोस्तों, आपको प्ले स्टोर APK दिख रहा है, ये प्ले स्टोर APK है। हाँ, उस पर क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ जाके होम APKS होम सर्च करना होगा आपको। होम सर्च करने के बाद ये आपको गूगल होम दिख जाएगा, ये दिख जाएगा आपको गूगल होम ऐप। इसको मैंने पहले इंस्टॉल कर चुका है, आप ओपन कर दीजिए। ओपन करने के बाद आपको ये ऐसा आएगा इंटरफेस, और अपने टीवी को अपना वाईफाई सिम जॉइंट होना चाहिए। दोस्तों देखो, मेरे को भी सेम जॉइंट है, ओप्पो A54, और टीवी को भी सेम ही जॉइंट है दोस्तों। और आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल ही जाएगा, वाईफाई कैसे कनेक्ट करते हैं एंड्रॉयड टीवी को। आपको समझ में नहीं आया तो ऐसे कनेक्ट कर दीजिएगा दोस्तों। आप टीवी पे भी देख सकते हैं, वही है कनेक्ट हो चुका है। और अब हम मोबाइल में प्रोसेस शुरू करते हैं दोस्तों। तो आपको पहले इस एंड्रॉयड टीवी दिख रहा है, आपके पास जो भी टीवी है वो ऐसे दिखेगा, और इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये राम आएगा, वो आप देख ही सकते हैं। मैं साउंड ऊपर नीचे कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। और फिर आपको यहाँ स्क्रीन वाला ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करने के बाद आपको ये यहाँ से दो ऑप्शन दिखेंगे, ये ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिएगा। ये क्लिक करने पे बाद स्टार्ट नाउ बटन दबा दीजिएगा दोस्तों। दबाने के बाद हो गया लगता है अपना, अपने टीवी को अपना एंड्रॉयड फ़ोन जॉइंट हो गया दोस्तों। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा सैमसंग गैलेक्सी M30S मोबाइल है। आप इस पे सॉन्ग लगा भी सकते हैं दोस्तों। आप चाहिए तो इस टीवी पे कुछ भी कर सकते हैं क्या दोस्तों। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय टाटा एंड बाय बाय।